Hello everyone, welcome to my channel Chemophilic Lorica and I'm back with a new video. Hope you all are fine. सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि एक बिगनर के लिए जितना आपने मुझे लव सपोर्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो किया है आई एम वेरी हैप्पी एंड इनफैक्ट आई कैन से दैट आई एम फीलिंग वेरी एनर्जाइज एंड मोटिवेटेड. आपकी यही सपोर्ट यही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे हेल्प कर रही है ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए जल्दी वीडियो अपलोड करने के लिए. सो प्लीज कीप डूइंग सो. ऐसा ही सपोर्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे आगे भी प्लीज दिखाते रहिए. एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि कुछ टाइम बाद आई हैव थॉट अबाउट इट कि मैंने सोचा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के पीडीएफ के भी लिंक में शेयर करूं. सो आई थिंक कुछ लोगों के ऐसी सजेशंस हैं एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग अपॉन इट. तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद मैं जरूर शेयर करूंगी. बाकी अगर इसके अलावा या और कोई भी आपको सजेशन या कोई क्वेरी कुछ भी एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड प्लीज कीप मोटिवेटिंग मी बाय लाइकिंग माय वीडियोस बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल बाय शेयरिंग माय वीडियोस. थैंक्स अ लॉट अगेन एंड नाउ लेट्स मूव टू द लेक्चर. हेलो स्टूडेंट्स, इन कॉन्टिन्यूएशन विद द लास्ट लेक्चर ऑफ क्लास प्लस टू आज हम सॉलिड स्टेट में आगे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. राइट, मैंने कहा था लास्ट टाइम जो हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिंपल क्यूबिक इनमें एटम्स की कॉन्ट्रीब्यूशन पड़ी थी उसी पे बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से समथिंग. जो व्यूअर्स यहां फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस वीडियो को आज वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज इस टॉपिक की थ्योरी क्लास प्लस टू वाली सीरीज के प्रीवियस लेक्चर से पढ़ लें. आपको लिंक ऊपर नजर आ रहा होगा एंड आई थिंक यू शुड स्टडी फ्रॉम देयर फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बिकॉज बिना थ्योरी के आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. अब जो आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें एटम्स की पोजीशन बताई होगी कि वो कहां कहां प्रेजेंट होंगे. सो आपको उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमने अब तक पढ़ी उसका यूज करके कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना होगा. राइट, तो एज यू नो किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे निकल सकता है. सपोज किसी कंपाउंड में दो एटम्स हैं ए और बी तो उन दोनों पार्टिकल्स की रेशियो पर यूनिट सेल जो भी होगी उसी से हमारा कंपाउंड निकलेगा. जैसे आप देख सकते हैं CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम आपको नजर आ रहे हैं तो ये एक्चुअली आपकी रेशियो है. एक्चुअल में आप बायोमास जैसे निकालते हो दैट इज समथिंग डिफरेंट. यहां अगर आप एटम्स की रेशियो निकाल रहे हो या पार्टिकल्स की रेशियो निकाल रहे हो कार्बन और ऑक्सीजन की तो 1:2 है. राइट, तो उसी के बेसिस पे आपको इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई कंपाउंड दिया हो उसमें आपको हो सकता है एटम्स दिए होंगे दो या तीन टाइप के उनकी रेशियो दी होगी या उनकी पोजीशन दी होगी कि वो कहां प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आपको रेशियो निकाल के देन कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना होगा. राइट, सो लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी एंड इट हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच A atoms are at the corners of the cube and B atoms are at the face center. Right? एक कंपाउंड है जिसमें A और B दो तरह के एलिमेंट्स हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर में वो फिक्स हैं. A atoms आपके कॉर्नर्स पे हैं और B atoms आपके फेस सेंटर पे हैं. सो A atoms आपके कॉर्नर्स पे हैं सो इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे. कॉर्नर्स पे हैं तो यानी 8 उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8 इज इक्वल टू यानी कि 1 एटम. राइट, यहां पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये कॉर्नर्स पे हैं. सेकेंड चीज आपकी क्या थी बी. बी एटम्स आपके कहां पे हैं फेस सेंटर पे तो नंबर ऑफ बी एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे 6 आपके फेस होते हैं क्यूब के सो 6 × 1/2 उनकी क्या थी कॉन्ट्रीब्यूशन क्योंकि आपका फेस वाला जो फेस सेंटर वाला एटम होता है वो दो में शेयर हो रहा होता है तो यहां क्या आ जाएगा 3. ठीक है, सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए हमारे पास आ गए और बी एटम्स आ गए पर यूनिट सेल. अब इनकी अगर हम रेशियो लें यानी रेशियो ऑफ ए एंड बी पर यूनिट सेल क्या आ जाएगी ए इज टू बी 1 है 1:3 तो फॉर्मूला यानी आपका क्या बन जाएगा ए बी 3. फाइन, ये आपका आंसर हो गया मतलब कंपाउंड जो भी आपका बनेगा उसका फॉर्मूला. तो हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है जितने भी एटम्स दिए हो जैसे यहां पे सपोज 2 दिए हो सकता है 3 दिए होंगे हो सकता है यहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि एक ए एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं बी एटम्स फेस सेंटर पे प्रेजेंट हैं. समटाइम्स
मिक्स करके भी दिया होता है कि ए एटम्स कोई दो जगह बताई होती है कि कॉर्नर्स ऑफ ए सेंटर दोनों जगह हैं, इसी तरह बी एटम के लिए। तो कुछ ना कुछ इस तरह से वेरिएशन करके ही क्वेश्चन पुटअप किया होगा एंड यू हैव टू सॉल्व इट इन द सेम वे एज आई हैव डन राइट नाउ, राइट? कि आपने नंबर ऑफ एटम्स जो भी दिया होगा उसको पर यूनिट सेल निकालना है उसकी पोजिशन के बेसिस पे, और उसके बाद उनकी रेशियो निकालनी है एंड उससे आपका फॉर्मूला आ जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ एटम्स ए एंड बी हैज एफ सी सी अरेन्जमेंट इन विच एटम्स ए आर एट द कॉर्नर्स एंड एटम्स बी आर एट द फेस सेंटर। ठीक, इफ वन ऑफ द एटम्स इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर वॉट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब पिछले वाले के जैसे सिमिलर ही है बट एक चीज चेंज की हुई है कि आपका एटम ए कॉर्नर से एक कॉर्नर से मिसिंग है, ठीक है, बाकी सारी चीज आपकी सेम ही रहेगी। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा, 7 था, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, 1/8 ही रहेगी ऑब्वियसली, तो 7/8। ठीक, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो वन एटम फ्रॉम कॉर्नर मिसिंग, इसीलिए हमने 7 लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है वन ऑफ द एटम्स इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। अब यहाँ पे एटम ए अभी मेंशन नहीं किया है, ये अंडरस्टूड है कि कॉर्नर वाला एटम मिसिंग है, तो कॉर्नर वाला आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया हुआ कि एटम ए था। अब ऐसे ही नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी पर यूनिट सेल इट विल बी अगेन फेस सेंटर आपके 6 होते हैं, उनकी शेयरिंग 1/2 तो यानी 3। अब आप ए इज टू बी की अगर रेशियो लोगे क्या आ जाएगा, 7/8:3। इसको आप होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम 24 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा फाइनल, A7B24, ये आपका फॉर्मूला बन गया। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी पर यूनिट सेल हमने निकाला, ए एटम्स का निकाला, दोनों की रेशियो ली ए इज टू बी, 7/8 ए की थी, बी के लिए 3 था, इसको हमने होल नंबर में कन्वर्ट किया, देन फॉर्मूला आपका आ गया A7B24। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इफ इट क्रिस्टलाइजेज इन अ एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर दिया हुआ है एफसीसी है, एफसीसी फॉर्म में आपके एटम्स यानी अरेंज होंगे किसके, एल्यूमिनियम के, उसका मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आपने निकालने हैं, राइट? अब इस क्वेश्चन में मोल कंसेप्ट अप्लाई होगा, सो मैं यहां पे आपको थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ बताऊंगी जितना इस क्वेश्चन में नीड है, बट अदरवाइज इफ यू वॉन्ट टू स्टडी मोल कंसेप्ट इन डिटेल देन यू कैन स्टडी इट फ्रॉम माई क्लास +1 प्लेलिस्ट एंड आई विल बी अपलोडिंग मोल कंसेप्ट इन 3-4 days, राइट? तो होपफुली 3-4 days में मोल कॉन्सेप्ट की मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप वहां से डिटेल में पढ़ लीजिएगा अगर किसी बच्चे को मोल कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं आता है, बिकॉज वैसे तो आना चाहिए बिकॉज यू आर इन +2 नाउ, बट स्टिल। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, 1 मोल किसके बराबर होता है, यहां पे अब एटम का केस है तो यानी एटॉमिक मास के बराबर, एटॉमिक मास 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इसके बराबर होगा या फिर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम ये 1 मोल हो गया। आपको कहा क्या हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं 8.1 ग्राम में। ठीक, अब एटम्स का और मास का ही रोल है, इसका यूज करके आपको पहले निकालने पड़ेंगे, सपोज 8.1 ग्राम दिया होना, हमें नहीं पता कि 8.1 ग्राम में कितने एल्यूमिनियम एटम्स हैं, तो पहले आपको एल्यूमिनियम एटम्स निकालने पड़ेंगे। ओके, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, यहां पे हम इसको 10^23 डिवाइड में 27 इंटू 8.1 इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.806 इंटू 10^23 नंबर ऑफ एटम्स। ये हमारे पास आ गए कि 8.1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एल्यूमिनियम के, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एफसीसी स्ट्रक्चर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 4, क्योंकि कॉर्नर्स वाले जो हुए 8 × 1/8 1 जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, और फेस सेंटर के हिसाब से 3, तो 1+3 4, राइट? सो यहां लिख लेते हैं, एफसीसी स्ट्रक्चर कंटेन्स कितने,
फोर एटम्स. कैसे यहां मैं मेंशन भी कर दे रही हूं, फोर एटम्स यानी कि 8 इंटू 1 बाय 8 इज इक्वल टू 1, और यहां 6 इंटू 1 बाय 2 इज इक्वल टू 3. तो 1 प्लस 3 क्या हो गया, 4. फोर एटम्स आपके एफसीसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं. अगर हमें इसमें निकालना होगा कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हैं, सो हाउ विल यू कैलकुलेट, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इसको आप डिवाइड कर दोगे 4 से, राइट क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे और एक स्ट्रक्चर में 4 एटम है. इफ यू विल डिवाइड इट देन यू विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल. तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 22, राइट. तो ये था आपका क्वेश्चन जहां पे मोल कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ. तो ये मैंने बेसिक सा जस्ट बताया था, बाकी मोल कंसेप्ट हम डिटेल में जब प्लस वन की सीरीज में आपकी वीडियो आएगी आप उसमें से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक बेस्ड यूनिट हैविंग वन एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड टू एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगनल. अब क्यूब में 4 बॉडी डायगनल्स होते हैं, ठीक है, क्यूब हैज 4 बॉडी डायगनल्स. हर एक बॉडी डायगनल पे उसने कितने कहा है, 2 एटम्स होंगे, ठीक है. सो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 एटम्स ऑन बॉडी डायगनल. अब आपको पता है बॉडी डायगनल पे जो भी एटम प्रेजेंट होगा यानी क्यूब के अंदर वाला, वो कहीं भी शेयर नहीं हो रहा होगा, ठीक. चलो एक एटम तो हमें ये पता लग गया कि जो एक टाइप का एटम है वो बॉडी डायगनल पे है. दूसरा उसने क्या कहा है, दूसरे टाइप का एटम कॉर्नर पे है. तो ठीक है, एटम एट कॉर्नर, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर 8 ही माना जाएगा ना, 8 इंटू 1 बाय 8 हमने अलॉन्ग विद कॉन्ट्रीब्यूशन किया 1. इसने कहा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन अ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने, सो वी हैव टू जस्ट एड देम. 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके आ जाएंगे इस क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल में, नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल. एक टाइप का एटम आपका बॉडी डायगनल पे था, दूसरे टाइप का एटम आपका कॉर्नर पे था, दोनों का आपने नंबर कैलकुलेट किया एंड देन एड कर दिया. तो इसके क्वेश्चंस मैक्सिमम इसी टाइप के आएंगे कि आपको एटम्स दिए होंगे, कितने टाइप के प्रेजेंट है कंपाउंड में, उनका उनकी किस स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे है, एंड सेंटर पे, बॉडी सेंटर में कहां प्रेजेंट है वो दिया होगा, थोड़ा बहुत इसी की वेरिएशन, और उसी के बेसिस पे आपको फॉर्मूला निकालना होगा. थ्री मोर क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू, सो वो आप ट्राई कीजिएगा एंड आई विल डिस्कस दीज रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. पहला क्वेश्चन है, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, एटम्स वाई आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, एटम्स एक्स एट द बॉडी सेंटर. ठीक, किसी सॉलिड में एक्स और वाई दो तरह के एलिमेंट्स हैं, वाई एटम्स आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, एक्स एटम आपके बॉडी सेंटर पे. कंपाउंड का आपको फॉर्मूला निकालना है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है एक्स और वाई दोनों के. यहां मैंने थोड़ी सी चीज और ऐड कर दी है, ठीक, ये भी आप जब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देन यू विल कम टू नो हाउ वी विल कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर. फाइन, अगला क्वेश्चन है, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी विच क्रिस्टलाइजेज इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर. ठीक है, ए बी दो तरह के एलिमेंट्स हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, एटम्स ए आपके प्रेजेंट हैं कॉर्नर्स पे एंड फेस सेंटर. अब यहां दो जगह दे दिया, ठीक, एटम्स बी आर प्रेजेंट ऑन एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स यूनिट सेल. आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है यूनिट सेल का, मतलब शो करने होंगे ए और बी एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होंगे, राइट. एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इफ थ्री एलिमेंट्स पी क्यू एंड आर क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक सॉलिड लैटिस विद पी एटम्स एट द कॉर्नर्स, क्यू एटम्स एट द क्यूब सेंटर एंड आर एट द फेस सेंटर, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. यहां थ्री एलिमेंट्स दे दिए आपको पी क्यू आर, ठीक, पी कॉर्नर्स पे है, क्यूब सेंटर मतलब बॉडी सेंटर पे है एंड आर फेस सेंटर पे है. अगेन यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. तो ये तीन क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चंस अभी कराए उसी के जैसे हैं, बस थोड़ी सी वेरिएशन है. यू जस्ट ट्राई इट एंड आई डिस्कस इट लेटर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, कि अभी तक जो हम स्फीयर एटम्स इसकी बात कर रहे थे उनकी पैकिंग कैसी है. जैसे कि दो टाइप के स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े थे, ओपन स्ट्रक्चर, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर. मैंने कहा था एक्चुअल में आपके एटम्स
स्पेस फिलिंग फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही उनकी पैकिंग हुई रहती है। तो पैकिंग को सबसे पहले समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी पार्टिकल्स हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो एटम्स, आयंस, वट एवर, लेट एज्यूम दैट कि वो हार्ड स्फीयर हैं और सेम साइज है उनके, ठीक। एज्यूम द पार्टिकल्स आर हार्ड स्फीयर्स ऑफ आइडेंटिकल साइज, और पैकिंग इस तरह से होगी कि मैक्सिमम स्पेस कवरेज हो जाए और एम्प्टी स्पेस लीस्ट रहे, ठीक। यानी मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई हो और उन स्फीयर्स या बॉल्स के बीच में स्पेसेस जो रह जाता है वो लीस्ट हो। सो इस तरह की क्रिस्टल में डेंसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि आप मैक्सिमम स्पेस कवर अप कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज क्लोज पैकिंग। अब ये क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन में तो सिंपल ऐसी होगी, राइट। वन डायमेंशन में कैसी होगी, जस्ट हमने जो भी पार्टिकल्स जो भी ले रहे हो आप, एटम्स हमने हार्ड स्फीयर या उसको इस फॉर्म में किया आइडेंटिकल साइज के फॉर्म में, एंड उनकी पैकिंग एक रो में इस तरह से होगी। टू डायमेंशन में क्या होगा, व्हेन रोज आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, आप एक से ज्यादा रोज ले लेंगे, ठीक है। टू डी स्ट्रक्चर लेकिन दो तरह से किया जा सकता है। एक तो तरीका यह है कि हम दो रोज इस तरह से ड्रॉ करें कि जैसे ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट रो आपका, फर्स्ट रो के जो स्फीयर्स हैं और उसके बाद सेकेंड रो के जो स्फीयर्स हैं वो इस तरह से रखे जाएं कि एग्जैक्टली उसी के नीचे, ठीक है। मतलब यहां हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट प्रेजेंट होगी दोनों रोज में, ठीक। तो यानी बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे नीचे ही होंगे, आप इधर से देखो चाहे इस तरह से किसी भी फॉर्म में, तो यानी जो भी रोज आप या एटम्स प्लेस करते जा रहे हो वो एग्जैक्टली सेम टाइप के हैं और सेम टाइप का ही अरेंजमेंट आ रहा है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं AA टाइप, ठीक है, कि आपने जो रो ऊपर बनाई थी एग्जैक्टली उसी के नीचे आपने एटम्स प्लेस कर दिए, तो इस केस में आपका AA टाइप की अरेंजमेंट आ गई। दूसरा तरीका क्या है कि आपने क्या किया, फर्स्ट रो तो ठीक है इसके जैसी ही रखी, बट सेकेंड रो आप क्या कर रहे हो, उन दो एटम्स के बीच की जो स्पेस है वहां पे रख रहे हो, ठीक। अगेन लेते हैं, सेकेंड रो के एटम्स हम इन दोनों जो फर्स्ट रो के जो दो एटम्स हैं उनके बीच का जो डिप्रेशन है या बीच का जो एरिया रह जाता है वहां पे आप पुट कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक रो बन जाएगी। उसके बाद अगर आप थर्ड रो फिर स्टैक करना चाहोगे या रखना चाहोगे एटम्स की, तो इन दोनों के डिप्रेशन के बीच में फिर से रखोगे, तो यू विल कम टू नो दैट फर्स्ट रो और थर्ड रो एग्जैक्टली सेम आएगी, ठीक है। तो यानी आपका अरेंजमेंट किस टाइप का हो जाएगा, ए बी टाइप, ठीक है ना। एक रो फिर सेकेंड रो डिफरेंट है इसलिए, थर्ड रो एग्जैक्टली सिमिलर हो गई फर्स्ट रो की तरह। तो ये दो टाइप के अरेंजमेंट्स हो गए। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, स्फीयर्स इन द सेकेंड रो आर प्लेस्ड एग्जैक्टली अबव द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो, यहां पे आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों की अलाइनमेंट होगी, एग्जैक्टली उसके नीचे हम एटम्स को पुट अप करते हैं। इसके केस में आप दो एटम्स का जो बीच का एरिया रह रहा है, जो उसका डिप्रेशन वाला एरिया है, वहां पे आप एटम्स को स्टैक कर रहे हो, तो यहां पे AA टाइप की अरेंजमेंट आएगी, यहां पे AB टाइप की अरेंजमेंट आएगी, ठीक। उसके बाद क्या आता है कि ये जो भी स्फीयर्स आप ड्रॉ कर रहे हो आसपास कितने स्फीयर्स को टच कर रहे हैं, उससे हमें क्या पता लगेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके केस में जो सेंटर वाला एटम है ये चार एटम्स को टच कर रहा है, तो एक क्या बन रहा है आपका, स्क्वायर जैसा, ठीक है। ईच स्फीयर इज टचिंग फोर स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन क्या हो गया, फोर। इस केस में जो एटम्स टच कर रहे हैं उसमें अगर हम लाइंस ज्वाइन कर देंगे उनके सेंटर से, तो यहां स्क्वायर बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया फोर, और पैकिंग को हम क्या कह देंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डी, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डी। इसके केस में क्या है, सेंटर वाला एटम आप कंसिडर करो, आसपास के सारे जितने एटम्स हैं 1 2 3 4 5 6, एक सेंटर वाला स्फीयर सिक्स एटम्स को या सिक्स दूसरे स्फीयर्स को टच कर रहा है, तो यहां पे क्या बन रहा है, शेप कैसी आ रही है, हेक्सागन, ठीक है। अब हेक्सागन आपका कैसे फिर ऑब्टेन हो रहा है, इन सारे एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन करके, तो यहां पे पैकिंग कैसी आ जाएगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डी। तो ये तो आपकी क्लोज पैकिंग थी वन डायमेंशन में और टू डायमेंशन में। इसी तरह से अगर इसके ऊपर भी हम एटम्स या स्फीयर्स रखेंगे तो वो थ्री डायमेंशन आ जाएगी। अब उसके केस में आपका एक ये तरह का ये जो स्पेस बच रहा है, एक ये तरह का, तो जो इसके ऊपर की लेयर आएगी वो भी अलग अलग तरह की, उसमें वेरिएशंस हैं कि हम किस जगह पे रखते हैं तो कैसी लेयर आपकी क्रिएट होती है, ठीक है। तो वो आपकी पैकिंग कहलाएगी क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन और जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको इस लेक्चर में दिए हैं, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।
आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा? होप यू हैव लाइक्ड इट। सो अगर पसंद आई आपको मेरी वीडियो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर कोई क्वेरी है या कोई सजेशन तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो में नीचे नजर आ रहा होगा, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप मोटिवेटिंग मी। थैंक यू।